In this video, we are going to study about simple equations. What do we mean by simple equations? Simple equations, before studying these equations, let's study to some of the important points. Let's see here one by one. See, equation पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा what is variable. Variable क्या होता है? वेरिएबल अगर मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं तो वेरिएबल एक्चुअली में इट इज़ द अल्फ़ाबेट्स. ओके, वेरिएबल्स आर व्हाट? दे आर द अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी टिल जेड. ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. वेरिएबल इट्सेल्फ, इसके नाम में ही है वेराई. ओके, ऐसा लेटर जो वेराई करता हो, जो डिफर करता हो, जिसकी वेराई करता हो, वेराई क्या करता हो, उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. फाइन, सो अ वेरिएबल टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज. इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड. इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है और ये अलग अलग वैल्यूज़ लेता है. वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. ओके, लाइक व्हाट आई राइट नाउ डिस्कस्ड, वेरिएबल्स ए बी सी से जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपका. देन फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस. वेरिएबल्स से हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशंस बनाते हैं. ओके, वेरिएबल्स से हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे. एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑन द वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स में अगर हम कुछ ऑपरेशंस इंक्लूड कर दें तो वहाँ पे हमारे एक्सप्रेशंस बन जाते हैं. जैसे ये वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5x + 10, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो इसमें हमने एक ऑपरेशन भी इंक्लूड कर दिया प्लस. अगेन सेकंड एग्जांपल 7x - 3, द वेरिएबल इज x एंड वी हैव इंक्लूडेड विच ऑपरेशन? माइनस. 4x / 2, so here x is the variable and which operation has been included? Division. Are some expressions formed by using the variable x? तो ये जो हमने examples लिए हैं, यहाँ पे हमने variables की मदद से और operations की मदद से क्या बनाया? Expression बनाया. तो expression आपका कब बनेगा? Expression आपका variable प्लस ऑपरेशंस में आपके कौन से आ जाएंगे? 4 टाइप के ऑपरेशन आ जाएंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ओके, दीज 4 टाइप्स ऑपरेशंस विल बी कमिंग इन द एक्सप्रेशन. सो व्हेन द कॉम्बिनेशन इज वेरिएबल प्लस ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड. वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स. अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आती है इसका, ओके, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ एक्सप्रेशन 5x + 10, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आती है वो किस पर डिपेंड करेगी? वैल्यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल. वैल्यू जो है वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x इज इक्वल टू 2, इन दिस एक्सप्रेशन आई एम टेकिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 2. सो वॉट हैपन्स इज 5x + 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डालेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा? 5 2s are 10 प्लस 10, 10 + 10 20. 5 2s are 10, 10 + 10 20. So, value depends upon the variable. Say for example, x equal to 3. If I take x equal to 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x + 10 में अगर हम x is equal to 3 लेंगे, तो 5 × 3 + 10, 5 3s are 15 + 10, that is 25. Okay, so here you can see the value was 20, here it was 25. So, they are changing. Why they are changing? Because the variable is changing. First it was 2, now it is 3. So,
द वैल्यू विल चेंज व्हेन द वेरिएबल विल चेंज. सो वैल्यू एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से आपका वैल्यू आएगा. वेरिएबल चेंज करेगा तो वैल्यू भी चेंज होगी. तो वैल्यू जो है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है. एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल एक्स. मतलब इक्वेशन जो है, अब इक्वेशन की बात आ गई, ठीक है. अब तक हमने देखो एक्सप्रेशन पढ़ा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? ओके, एक्सप्रेशन इज, इफ आई गिव यू द एग्जांपल 5x प्लस 10, दिस इज माय एक्सप्रेशन. बट व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5. This becomes an equation. Why? Because in the equation, equal to sign will be appearing. Whenever equal to sign will appear, it is an equation. And when simple variable and operation is there, it is known as expression. But whenever equal to sign comes, it is an equation. Now equal to sign में आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो side होगी, लेफ्ट साइड, इसको बोला जाता है LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. एंड दिस साइड 5, इसको हम बोलेंगे RHS, दैट इज राइट हैंड साइड. इन एन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तभी वो इक्वेशन होगी. फाइन, अब ये इक्वेशन जो है ये किस पे डिपेंड करेगा आपका? ये भी आपका वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 है, तो ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन कब होगी, मतलब बैलेंस कब होगी ये? जब x का हम कुछ वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू इस तरीके से रखेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए. तो x का वैल्यू देखो हम लेते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं इक्वेशन को. अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं हम, यहाँ पे 1 से शुरुआत करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5. देन 5 वनजा प्लस 10, ओके. सो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें 5 मिलना चाहिए, ओके. तो हमने LHS लिया है, इक्वेशन का हमने LHS लिया है, और हम देख रहे हैं कि हमें क्या 5, यानी क्या हमें RHS मिलता है, ओके. तो 5 वन 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15. 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15. इट मीन्स आई एम गेटिंग 15 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. इट मीन्स x इक्वल टू 1 जो है वो वैलिड नहीं है. x इक्वल टू 1 हमारा वैलिड नहीं है. तो आपको यहाँ पे हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं. फाइन, 2 लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 टू जा प्लस 10, 10 प्लस 10 20. अगेन इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. ओके, अगेन इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. सो हियर यहाँ पे आप देखो, थोड़ा हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 लिया तो 15 आ रहा था, 2 लिया तो 20 आ रहा था. इसका मतलब हम आगे तो जा ही नहीं सकते, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, बिकॉज एज वी आर गोइंग अहेड, एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज इंक्रीजिंग, द एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन टू अ ग्रेटर नंबर. फाइन, सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द स्मॉलर नंबर्स. सो 1 से छोटा नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है. 1 से छोटा नंबर 0, यहाँ पे हमें कम वैल्यू लेना पड़ेगा तभी तो हमें आंसर छोटा मिलेगा, ओके. तो अगर हम 0 लेते हैं, अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पे आपको 0 प्लेस करना है, ठीक है. तो 5 0 ज़ा प्लस 10, 0 प्लस 10 दैट इज़ 10, ओके. लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो अभी भी हमें 10 मिल रहा है. इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. ओके, सो लेट्स टेक द अदर नंबर. हम दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे और भी छोटा नंबर लेना पड़ेगा. तो देखो, जीरो से स्मॉल नंबर अब क्या हो जाएगा, माइनस के नंबर्स हो जाएंगे. जीरो से स्मॉल नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस के नंबर हो जाएंगे. आपने देखा होगा जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में इन बिटवीन यहाँ
यहाँ पे ज़ीरो होता है, देन इट गोज़ लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड हियर इट कम्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो हियर देर आर पॉजिटिव नंबर्स, हियर देर आर नेगेटिव नंबर्स. ओके, सो पहले हमने 1 लिया तो हमें बड़ा वैल्यू मिल रहा था, 2 में भी बड़ा वैल्यू मिल रहा था, सो हमने इधर जाना स्टॉप कर दिया. देन वी हैड टेकन 0. 0 हमने जब लिया तो 0 पे हमें क्या दिखा कि 0 लेने पे वी गॉट 10, ओके, विच वॉज लेस देन 15, बट वी वॉन्ट फाइव. तो अब हम क्या करेंगे, 0 से भी स्मॉल नंबर लेंगे. तो अब हम x का वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल प्लेस इन दिस इक्वेशन. सो द इक्वेशन इज इन द एक्सप्रेशन. ओके, सो 5x प्लस 10 इज अवर एक्सप्रेशन. इसमें आप -1 रखो, 5 × -1 + 10, -5 + 10, दैट इज -+-, 10 - 5, 5, एंड द साइन ऑफ बिग नंबर, सो इट इज +5. दिस इज इक्वल टू RHS. ओके, अब हमें RHS मिल गया, तो यही आपका, देखो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. वाई? बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग अवर इक्वेशन. लेकिन ये वाली जो मेथड है ये तो बड़ी लंबी मेथड है. हम क्या एक एक नंबर ऐसे चेक करते रहेंगे? नहीं. ओके, इस तरीके से हम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x + 10 = 15 इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू आपको निकालना है. सो व्हाट वी विल डू इज 5x = 15 - 10. दिस प्लस विल गो टू द अदर साइड एंड इट विल बिकम -10. ओके, सॉरी, हियर इट वॉज 5. ओके, हियर इट वॉज 5. 5x = 5 - 10, इट विल बी -5. x = -5, दिस 5 विल गो डाउन एंड 5 के टेबल में -5, इट मीन्स -1. सो x = -1. ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, तो यहाँ पे ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, और अगर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा. दिस यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. फाइन, सो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 हमें डायरेक्ट मिल गया. इतना सा ही हमें करना था. वी डोंट हैव टू गो विद दिस हिट एंड ट्रायल मेथड. इट इज़ सच अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज़ टाइम टेकिंग ऑल्सो. सो इंस्टेड ऑफ दैट आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा, x = -1. ओके, सो दिस वी हैव स्टडीड द सिंपल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. वेर देर इज ओनली वन वेरिएबल. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 7x - 3 = 4. यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो वॉट यू हैव टू डू इज 7x जो आपको फाइंड करना है ना वो आप यहीं पे ही रखेंगे, और उसके साथ जो भी कुछ अटैच है वो हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये 4 एंड -3 को अगर हम दूसरी साइड जाने देंगे, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से हम ट्रांसपोजिंग करेंगे टू द राइट हैंड साइड. सो -3 विल गो टू दिस साइड, सो इट विल बिकम +3. देन 7x = 4 + 3 = 7. Therefore, x = 7, this 7 will go down. 7 divided by 7 is 1. So the value of x is 1. Fine? So this is how you have to solve. Let's take one more example. 3n + 7 = 1. अब यहाँ पे आपका अननोन वेरिएबल कौन सा है, n है. n का वैल्यू आपको फाइंड करना है. 3n + 7 को हमें राइट हैंड साइड भेजना है. 1 - 7
प्लस सेवन विल गो टू द अदर साइड, इट विल बिकम माइनस सेवन. थ्री एन इज इक्वल टू वन माइनस सेवन इज वॉट, इट इज माइनस सिक्स. फाइन, देयर फॉर एन इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन थ्री. थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एंड द साइन ऑफ माइनस. सो द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इज माइनस टू. Now see, some of the students might be facing the difficulty in sign. So let me also clear the sign rules. Okay? There are four sign rules which you have to remember. What are those sign rules? Number one, whenever both are minus, in case of multiplication we are seeing the sign rules. Okay? Because it differs as per sign rules for multiplication. Minus minus will become plus. When both are plus, it will become plus. When one is plus and other one is minus, it will be minus. When one is minus and other one is plus, it will become minus. So these four sign rules you have to remember. Minus minus plus, plus plus becomes plus, plus minus minus, minus plus becomes minus. This was for multiplication. Now say for example, if sign rules I have to see for addition or subtraction. Fine, then how it is coming here. Let us take the examples. Minus 2 minus 3. Okay, to solve this what we'll be doing, minus minus plus, you have to do summation. That is 3 plus 2, 5, but the sign of bigger number you have to take. So which is the big number here? 3. So it consists of minus sign. So answer mein yahan pe minus sign aa jayega. Second example, minus 2 plus 3. Again, minus plus is what? Minus plus is minus. You have to do minus. 3 minus 2, 1. Sign of bigger number. Which is big number? Plus. Which is big number? 3. It consists of plus sign. So here it will be plus sign. Then 3 minus 2. Okay. 3 minus 2. It means plus minus minus. Karna hai minus. 3 minus 2, 1. Sign of big number. Which is big number? 3. It consists of plus sign. So plus. Then plus 4 plus 2. Okay. Plus plus. Plus, you have to do plus. 4 plus 2, 6. Sign of big number. Which is big number? 4. It consists of plus sign. Okay. See here, what you have to remember is, whenever both the signs are negative, the answer will always be negative. If both the signs are positive, the answer will always be positive. Okay. So these sign rules you have to remember. And division mein sign rules kya honge? Agar division ki hum baat karein, तो डिवीजन में भी आपके यही साइन रूल्स होंगे. ओके, ऑल द सेम साइन रूल्स. इफ से इट इज माइनस वन अपॉन माइनस वन, द आंसर विल बी प्लस वन. से फॉर एग्जांपल इट इज माइनस वन अपॉन प्लस वन, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज व्हाट? माइनस प्लस माइनस वन. से इफ इट इज लाइक दिस, प्लस वन अपॉन माइनस वन, प्लस माइनस minus 1. If both are plus, plus plus plus, okay, and 1 divided by 1 is 1. So this, the same rules for division and multiplication, the operations are same. Okay, yahan pe same hi aapka result aapka same milega. Minus minus plus, plus plus plus, plus minus minus, and minus plus minus. Okay. So this is all about the linear equations, simple linear equations in one variable. I hope everybody got this. Thank you.